देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए अगर आप फ्यूचर में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या अभी भी कर रहे हैं देन दिस टॉपिक विल बी यूजफुल टू यू इन इन योर ज्योग्राफी पार्ट एंड इन एनवायरमेंटल साइंसेज लेट्स स्टार्ट देन टॉपिक नेम इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स नेचुरल हिस्ट्री सो वाई दिस इंडिया इज कॉल्ड अब कॉन्टिनेंट देखो यहां पे हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे बहुत पास्ट का हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की नेचुरल हिस्ट्री इन दैट नेचुरल हिस्ट्री पाकिस्तान भी आ जाता है बांग्लादेश भी आ जाता है ठीक है सो वी विल स्टडी अबाउट इंडिया इंडिया वॉज बिफोर फोर थाउजेंड ईर्स एगो तो इंडिया में सब कुछ है जो एक कॉन्टिनेंट में होता है वैसा सब कुछ है इट इज अ वेरी लार्ज एरिया उसमें ऑशियन भी है एक तरफ एक तरफ सी भी है सागर महासागर ठीक है बहुत सारी पर्वतमालाएं भी है माउंटेन रेंजेस इट इज अ वेरी ब्रॉड एरिया इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एस इंडियन सब कॉन्टिनेंट ठीक है टॉपिक के नीचे का क्या होता है सब टॉपिक वैसे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जैसा एक छोटा कॉन्टिनेंट जैसा पार्ट इसको बोलते सब कॉन्टिनेंट सो फर्स्ट यू जस्ट लर्न अबाउट हाउ दिस डिफरेंट ज्योग्राफिकल डिविजन आर देयर इन अवर फिजिकल मैप ऑफ इंडिया ठीक है तो हम हम यहाँ पे कुछ किसी भी स्टेट्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले स्पेसिफिक टोटल कितने स्टेट्स हैं इंडिया में ये आपको पता होना चाहिए अभी

ये पूरा ये बांग्लादेश भी उस टाइम अभी उसकी आइडेंटिटी कुछ थी नहीं बिफोर okay? टू ये, ये जो पार्ट पूरा जो पार्ट था देखो श्रीलंका में भी इंडिया का जो इंडिया में जो राजा महाराजा रह रहे थे उसका जो शासन था वो श्रीलंका तक था श्रीलंका के आगे तक भी था ये पूरा जो पार्ट है इसको बोलते है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो इस मैप में आप देख सकते हो कि ये जो फिजिकल मैप है इंडिया का इसमें नॉर्थ के साइड नॉर्थ के साइड है हिमालयन माउंटेन रेंजेस ओके हिमालयन माउंटेन रेंजेस नॉर्थ के साइड है हिमालयन माउंटेन रेंजेस फिर साउथ में आप अगर देखोगे तो साउथ में यहां पे है इंडियन ओशन इंडिया के साउथ में ईस्ट में जो है वो है बे ऑफ बंगाल बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वेस्ट बंगाल ईस्ट में है इंडिया के या वेस्ट में वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल है पर वो है ईस्ट दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन अब जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट साइड में है वो ऐसा क्यों है क्योंकि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तब उस टाइम ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल ऐसे दो अलग अलग डिवीजन हुए थे 1905 में ठीक है तो एक कोई ब्रिटिश का गवर्नर था लॉर्ड कर्जन नाम का उसने ये बंगाल को पार्टीशन किया था डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यूज करके तो ये जो ये जो एरिया है तो ये इस तरफ जो आएगा वो क्या आएगा वेस्ट आएगा ना और इस तरफ जो होगा वो ईस्ट होगा तो ये इसको ईस्ट ईस्ट बंगाल बोला गया था जो अभी बांग्लादेश है और ये है वे, वेस्ट बंगाल ठीक है ये वेस्ट बंगाल ईस्ट में है तो इंडिया के ईस्ट में एक नेचुरल जोग्राफिकल एरिया है बे ऑफ बंगाल ठीक है ये बे है तीन तरफ ये जमीन है इधर भी लैंड इधर भी लैंड इधर भी लैंड तो यहां पे इसको बोला जाता है बे फिर ये देखो ये है अरेबियन सी ऑन वेस्ट इट इज अरेबियन सी ठीक है फिर अगर तीन तरफ पानी है इस डायरेक्शन में भी पानी है इस डायरेक्शन में भी पानी है और नीचे भी पानी है तो ये वाला जो एरिया है इंडिया का ऐसा टेपरिंग वाला ऐसे पॉइंटेड पार्ट बन रहा है तो इसको बोलते हैं पेनिनसुला बिकॉज दिस पार्ट इज कवर्ड ऑन इट्स थ्री साइड बाय वॉटर तो इसको बोलते हैं पेनिनसुला ठीक है अगर कोई लैंड है और चारों तरफ से पानी से गिरा है तो उसको आइलैंड बोलेंगे दैट यू दैट विल बी कंसिडर्ड एज आइलैंड तो ये ये सब टर्मिनोलॉजी आपको समझ, आपको अच्छे से समझनी है ये पेनिस्टूला क्या है बे क्या है ठीक है फिर अगर कोई ऐसे लैंड एरिया है और बीच में कुछ पानी जा रहा है बीच में कुछ पानी का वहां पे कलेक्शन है जैसे यहाँ पे भी है ये देखो इधर इधर ये, ये दोनों साइड लैंड है और इस बीच में थोड़ा सा इधर पानी है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में तो वहां पे एक जोग्राफिकल टोपोग्राफी होगा उसको बोलते हैं गल्फ यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ देखो फिर यहाँ पे देखो ऐसे कॉर्नर में चला गया पानी इसको भी बोलते हैं गल्फ इधर इधर हो गया गल्फ ऑफ कच्छ इधर होगा गल्फ ऑफ हो खम्भा इसको पहले गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते थे कैम्बे ठीक है और यहां पे जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में वहां पे जो, जो गल्फ एरिया बन रहा है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूँ इंडिया में ट्वेंटी स्टेट से याद रखना ट्वेंटी नाइन नहीं है स्टेट ट्वेंटी एट स्टेट से ट्वेंटी पहले थे फिर जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था वो यूनियन टेरेट्री में कन्वर्ट हो गया इसलिए स्टेट्स स्टेट यूनियन टेरेटरी पहले सात थे तो सात में फिर दो एड हुए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फिर ट्वेंटी में क्या किया कि दीव दमन और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया तो यूनियन टेरेटरी हो गया नौ में से आठ दैट्स एट यूनियन टेरेटरी एंड देर आर ट्वेंटी स्टेट्स तो ये जो पूरा टॉपोग्राफी हो गया इंडिया का हिमालयन माउंटेन्स ऑन दी नॉर्थ वेस्ट में अरेबियन सी ठीक है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन वेस्ट में ये वेस्ट हो गया ये वेस्ट डायरेक्शन है याद रखना दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट ये ईस्ट डायरेक्शन है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है वेस्ट में अरेबियन सी है नॉर्थ में हिमालय है हिमालय मतलब एक एक पर्वत नहीं पूरी पर्वतमाला माउंटेन रेंज नॉर्थ में और साउथ में है इंडियन ओशन हिंद महासागर ठीक है तो ये चारों तरफ से इंडिया ऐसे घिरा हुआ है ये जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो यहां पे गल्फ ऑफ कच्छ में है क्रिक सिर क्रिक है एक एरिया वो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ओके okay? कच्छ में एक गांव भी है गोवार मोटा, वो गांव भी एकदम वेस्टर्न मोस्ट साइड में पड़ता है पर एग्जैक्टली exactly जो पड़ता है वो है सिरक्रिक वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ठीक है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल ठीक है पूरा ज्योग्राफी का ही पार्ट है पहले ही आप बायोसाइंस पढ़ रहे हो पर ये जरूरी है आपको अगर स्पीसीज पढ़ना है अगर डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी तो उसके लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि कैसे डिवाइड किया है ठीक है अब हम अगर देखें इंडिया को वर्ल्ड के मेप में अगर ये आप मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है और ये बीच का जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं बीच वाली लाइन को इक्वेटर बोलते फिर इक्वेटर के ऊपर के साइड ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यह सउदर्न हेमिस्फीयर तो हमारा इंडिया जो है वो ऊपर आता है इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेंबर ठीक है अच्छे से पढ़ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन है और इंडिया इंडिया जो है वो पार्ट किसका है एक कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है एशिया का ठीक है इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया में अगर एशिया में बात करें तो एशिया में इंडिया साउथ एशिया में है ठीक है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया का लोकेशन साउथ में है अर्थ या वर्ल्ड मैप देखें तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का लोकेशन होता है कर्क टॉपिक ऑफ कैंस ठीक है यहां से पास होता है जो गुजरात का मैप है वहां पे ये प्रांति पतनगर सिटी है जो डिस्ट्रिक्ट बनासकाठा यह पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया में से गुजरता है इक्वेटर से बहुत दूर है इंडिया एंड दैट्स वी आर फेसिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वी आर इन द क्लाइमेट जोन ऑफ ट्रॉपिकल एरिया ठीक है तो हम हम जो इंडिया अर्थ के लोकेशन में है, है? ट्रॉपिकल जोन में है देखो इक्वेटर इक्वेटर वो बीच वाला एरिया इक्वेटर से जैसे आप दूर जाओगे तो स्पीसी डाइवर्सिटी कम होती है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे स्पीसी डाइवर्सिटी कम होती है तो ट्रॉपिकल जोन में इक्वेटर से कम डाइवर्सिटी होगी ये ट्रॉपिकल जोन होगा उसके बाद ठंडा प्रदेश होगा जिसको बोलते हैं टेम्परेट जोन और ऊपर एकदम ओला रीजन वैसे ही नीचे इक्वेटर से नीचे सउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन होगा मकर रुथ होगा ठीक है उसके नीचे टेम्परेट जोन और फिर उसके नीचे पोलार जोन तो हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसमें से गुजरता है इंडिया में से तो हमारे यहां पे देखो यह माउंटेन रेंजिस भी है ओशन भी है सी भी है ठीक है बहुत सारी नदियां भी है डेजर्ट भी है इंडिया में डेजर्ट भी है और ऐसा फॉरेस्ट भी है जिसमें 1400 मिलीमीटर से, से ज्यादा बारिश होती है एनुअल चेरापूंजी में ठीक है मेघालय में कभी चेरापूंजी में होता है कभी मोसिन डा में तो बदलता रहता है हर दो तो, दो तो, तीन साल में ये बाजू बाजू में यह लोकेशन वो मेघालय में है तो मेघालय में सबसे ज्यादा चेरापूंजी में बारिश होती है ट्रॉपिकल मोइस्ट सॉरी रे, रेन फॉरेस्ट तो सब क्लाइमेटिक जोन इंडिया में पाए जाते हैं क्लाइमेटिक जो वर्ल्ड में जो पाए जाते हैं वैसे क्लाइमेटिक जोन इंडिया में भी पाए जाते हैं सेम टू सेम देखो पोलर एरिया में एकदम वो बर्फीला क्लाइमेट होता है तो वैसा क्लाइमेट इंडिया में भी हिमालय माउंटेन्स में जम्मू कश्मीर में लद्दाख में, में पाया जाता है सो इट इज लाइक अ कॉन्टिनेंट सो दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट नाउ इन दिस फिगर यू कैन ऑल्सो सी दैट इज दिस येलो पोर्शन ये जो है येलो पोर्शन ये है डेजर्ट थार डेजर्ट इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है ये थार डेजर्ट ये नीचे हमारा गल्फ कच्छ का डेजर्ट आ गया यहाँ पे कच्छ का डेजर्ट है कच्छ के डेजर्ट के ऊपर राजस्थान में राजस्थान हरियाणा और पूरा नॉर्थ नौ गुजरात में कुछ सिटीज में ये अभी स्प्रेड हुआ है तो ये जो थार डेजर्ट है वो इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है थार पकार डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट तो डेजर्ट भी है इंडिया में बड़े बड़े फिर बड़ी माउंटेन रेंजेस भी हैं फिर माउंटेन रेंजेस जो होती है उसके बीच में कुछ ऐसे दर्रे होते हैं कुछ ऐसी जगह होती है जो एक कंट्री में से दूसरी जगह पे जा सके कुछ रास्ते होते हैं उस रास्ते उस रास्ते को बोलते हैं पास तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है खाइबर पास फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है बोलन पास ठीक है ये क्या होता है कि ये यह यहाँ पे यहाँ पे से कोई भी मिलिटेंट्स यहाँ से एंटर हो सकते हैं ऐसे पास से ऐसी जगह है माउंटेन रेंजेस के बीच में कुछ ऐसी जगह होती है कुछ रास्ते होते हैं जिसमें से कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं और कुछ लोग वहां से इन्वाइट भी कर सकते हैं जैसे तो दर्रे पाए गए हैं बहुत सारे दर्रे हैं इंडिया के हिमालयन माउंटेन रेंजेस के पास और इस साइड भी ठीक है फिर डेजर्ट है फिर प्लेट्यू अब देखो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे ऑरेंज कलर का टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ लेना अब जो एकदम इक्वल लेवल का जो लैंड एरिया है एकदम फ्लैट एरिया उसको हम बोलते हैं ओके, okay, खुले मैदान प्लेन्स कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो अब सी लेवल ऐसे एलिवेटेड पोर्शन होते हैं कुछ लैंड के जो बल्ज हो जाते हैं और ऐसे फ्लैट लैंड होते हैं पर थोड़े ऊपर होते हैं एलिवेटेड लैंड होते हैं उसको बोला जाता है प्लेट्यू प्लेट्यू मतलब टेबल ऐसे टेबल, टेबल लैंड, ऐसे कैसा होता है ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है, तो ऐसे ये थोड़ा ऊपर आ जाता है ऊपर okay? तो हुआ एलिवेटेड लैंड को बोलेंगे प्लेट्यू अफगानिस्तान है नेबरिंग कंट्री में देखो इधर अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर यहां पे जम्मू कश्मीर से टच होता है फिर पाकिस्तान ठीक है फिर नेपाल फिर इधर चाइना ठीक है फिर म्यांमार एक दो तीन चार म्यांमार फिर क्या हो गया इधर बांग्लादेश फिर इधर है भूटान ठीक है म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं फिर इधर सी बाउंड्री लैंड बाउंड्री में ये सब हो गए अब सी बाउंड्री में कौन कौन से तो जहां पे इंडिया का मेन लैंड टच नहीं होता पर सी बाउंड्री टच होती है तो वो है श्रीलंका और यहाँ पे नीचे एक है मालदीव थोड़ा नीचे लक्षद्वीप के नीचे मालदीव तो इतने कंट्रीज है वो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है अब आइलैंड्स जो है वो कुछ आईलैंड का भी फॉर्मेशन हुआ था तो एक, एक आइलैंड है वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड लक्षद्वीप अब इसका डेवलपमेंट का काम चलता है बहुत ज्यादा जो अभी अब हमारे दीव दमन दादर नगर दादर नगर हवेली के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हीं को यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया है छोदी है वो एक आइलैंड है ठीक है फिर इधर बे ऑफ बंगाल के नीचे इधर बे ऑफ बंगाल में आप देख सकते हो इधर एक आइलैंड का बहुत बड़ा ग्रुप बना है इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ठीक है तो ऐसे आईलैंड भी बने हुए है फिर एक आइलैंड है इधर आसाम में इधर आसाम जो है आसाम आसाम में एक आइलैंड है जो नदी के ऊपर बना है एकमात्र ऐसा नदी के ऊपर बनने वाला आइलैंड। दिस आइलैंड ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर एक आइलैंड बना है असम में उसका नाम है मजुली, मजुली द्वीप ये नदी के ऊपर बनने वाला आइलैंड है चारों तरफ नदी है बीच में लैंड है तो इस इसके बेसिस पे ही आगे का जो कंटेंट है देखो सिंस ऑल्डन डेज दर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट तो पहले से ही हम पर्यावरण से नजदीक रहे हैं हमारी जो लाइफ स्टाइल है सराउंडिंग से, से उसको जो भी जरूरत पड़ती है वैसे वो कुछ चीजें इन्वेंट करता so surrounding, है तो सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है उससे जो इंपैक्ट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है एंड द लाइफ जो है पूरी लाइफ स्टाइल वो डिपेंड करते है कि उसका सराउंडिंग कैसा है पहले से ही वो ऐसे चल, चलते आ रहा है सराउंडिंग विल अफेक्ट योर सराउंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है वो पूरा डिपेंड करता है कि आपके सराउंडिंग क्या है नीड क्या है ठीक है तो उस जमाने में पहले फायर का इन्वेंशन हुआ फिर पता चला कि ऐसे व्हील भी बनता है तो व्हील का इन्वेंशन हुआ तो वो भी एक नई टेक्नोलॉजी आई धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का एडवांस एडवांसमेंट होता रहा दैट वॉस ड्यू टू देयर नेसेसिटीज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज एज ओल्ड एज स्टोन एज पहले क्या होता था स्टोन एज में अभी फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ था स्टोन एज में सिर्फ पत्थर से ही सब काम चलता था वेपन्स भी बनाते थे तो तो भी पत्थर थे पत्थर से वो अपने घर बनाते थे तो वो भी पत्थर से तो उसको स्टोन एज बोलते थे ठीक है फिर किसी को एनिमल को भगाना है तो उसको उसके लिए भी कुछ पत्थर ही पत्थर से वेपन बनाते थे दैट वॉज स्टोन एज फिर फिर अलग अलग मेटल का डिस्कवरी हुआ ब्रॉन्स एज आया कॉपर एज आया तो सबसे पुराना जो है इसको बोलते हैं स्टोन एज से हमारी हिस्ट्री फैली हुई है मतलब वहां से आ, हमारी हिस्ट्री इज इस फ्रॉम एज इज एज ओल्ड एज एज तो टू एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन उसके बाद ह्यूमन को पता चला कि हम क्रॉप उगा भी सकते हैं हम घर के पास भी उगा सकते हैं उसको ग्रो भी कर सकते हैं अगर हम सीड शो करे तो उसमें बिक्रोप ग्रो सकता है तो ऐसे धीरे धीरे क्रियोसिटी बढ़ती गई और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ ठीक है आठ हजार साल पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ इंडिया वॉज द मेन कंट्री इन एशिया यू कैन से बाकी का इजिप्त है कंटेम्पररी uh, तो ये जो इंडिया का जो पार्ट है कहां पे? इस मैप में अगर देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये पूरा हमारा हिस्ट्री बताता है ये पार्ट अभी वो कुछ पार्ट उसका पाकिस्तान में चला गया है ठीक है पहले पाकिस्तान इंडिया में था वहां पे एक नदी गुजरती है सिंधु नदी इंडस रिवर और वो इंडस नदी के किनारे कुछ वहाँ पे सिविलाइजेशन मतलब लोग आके बसते बसते थे और उस सिविलाइजेशन को बोला जाता था अभी बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन ठीक है मोहिन्जोद हरप्पा अभी ये दोनों जो साइट है वो पाकिस्तान में है इंडिया में एक ही साइट बची है मतलब वो इंडिया के हिस्से में वो है कालीबंगन राजस्थान में बाकी गुजरात में है बहुत सारी धोलावीरा फिर लोथल ठीक है तो एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ था और स्पेशली इन इन एरिया ऑफ मेरगढ़ मेरगढ़ नाम का एक एरिया था उधर भी एग्रीकल्चर उधर एग्रीकल्चर फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था इंडिया में पर अभी वो इंडिया में नहीं है ये साइट पाकिस्तान में है ठीक है? अब हिस्ट्री क्या है हिस्ट्री इज अ अब हिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है इट इज द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कल्चर ठीक है ह्यूमन कल्चर ही हिस्ट्री बताता है कैसे अब देखो हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन टाइम अगर हिस्ट्री पढ़ते तो टाइम आता है टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम नहीं मतलब ये ड्यूरेशन ये ड्यूरेशन ये सब फिर प्लेस सोसाइटी उस टाइम उस कौन कौन लोग रह रहे थे कैसा कल्चर था क्या उसका रीति रिवाज था क्या लाइफ थी ये सब ये, ये सब मिल के बनाते हैं एक सोसाइटी फिर इंडिविजुअल्स तो इंडिविजुअल्स विल फॉर्म सोसाइटी इन दोनों का अगर कुछ जानना है तो उसके लिए प्लेस जानना जरूरी है और किस दौरान ये सब हुआ था

आएगा कि ये राजा ने यहाँ पे राज किया तो कहां पे तो कहा मतलब प्लेस तो ज्योग्राफी भी आ गया ओके okay? वहां पे ही क्यों किया तो वहां पर कुछ वहां पे कुछ क्लाइमेट सुटेबल होगा ज्योग्राफिकल कंडीशन से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं कोई ज्योग्राफी है कोई प्लेस है तो उसका भी कुछ हिस्ट्री होगा अगर कोई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री, हिस्ट्री का भी कुछ जगह जगह पे वो हिस्ट्री हुई होगी कुछ इवेंट्स हुए होंगे ठीक है तो इवेंट्स के लिए कुछ प्ले प्लेस इज नेसेसरी और कुछ प्लेस है तो वो प्लेस का क्या महत्व है क्या उसकी हिस्ट्री है दैट्स व्हाई हिस्ट्री हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इनसेपरेबल ओके सो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफिकल कंडीशंस इन मेनी वेज और डाइट हम जो खाते हैं इंडिया सबसे ज्यादा वेजिटेरियन कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में वो है इंडिया तो डाइट हमारा डाइट जो है फिर हमारा क्लोथिंग जो है हमारा हाउसिंग है ऑक्यूपेशन है ये सब चीजें डिपेंड करती है कि वहां का ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी ज्योग्राफी सो ज्योग्राफी इज वेरी नेसेसरी फॉर डाइट देखो यहाँ पे सिर्फ डाइट मतलब सिर्फ ह्यूमन का नहीं किसी का भी एनिमल्स का भी उसका लाइफ स्टाइल आ जाता है हैल्सो डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी डाइट क्लोदिंग ह्यूमन के लिए हाउसिंग यहाँ पे हैब, हैबिटेट आएगा अदर एनिमल्स के लिए हैबिटेट आएगा हैबिटेट से डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी और वो उसका नीस क्या है उसका वो एनिमल क्या करता है ठीक है तो वो भी डिपेंड करेगा उसकी ज्योग्राफी पे वो कहां पे लोकेटेड है ठीक है तो अब ऐसे इवोल्यूशन आया हाउस इसमें ये जो हाउस है ये भी डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे ऐसे हाउस आपने देखे होंगे कच्छ एरिया में नहीं है गुजरात का गुजरात का नॉर्थ गुजरात का तो वहां पे जो आ, हाउस है वो पक्के मकान होंगे ब्रिक्स के बने हुए सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन सो दी क्लाइमेट क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है समझ लो अच्छे से वेदर मतलब एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है कि आज का वेदर आज का मौसम ऐसा रहा ये वेदर है क्लाइमेट मतलब वहां की आबो हवा एक लॉन्ग टर्म 20 इयर्स तक कोई वेदर कोई कंडीशन एक जगह पे प्रीवेलेंट करे 20 इयर्स तक तो हम उसका क्लाइमेट डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है ठीक है कोल्ड क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट ठीक है तो क्लाइमेटिक लॉन्ग ड्यूरेशन फेनामेन है और वेदर है वो शॉर्ट फेनाइमेट मतलब की, समझ लो की इंडिया में अभी चार है. तीन बार समर विंटर मानसून एंड फोर्थ वन इज रिट्रीटिंग मानसून कभी कभी अक्टूबर नवंबर में भी बारिश आती है तो हमारा क्लाइमेट ऐसा है मानसून क्लाइमेट ठीक है कुछ जगह पे पोलर रीजन है तो वहां पे कोल्ड क्लाइमेट होगा वहां पे कभी गर्मी होगी ही नहीं सो दिस क्लाइमेट इज ए लॉन्ग टर्म फाइनमिन रिमेंबर फिर रेनफॉल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट्स, फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा मतलब प्लांट्स फोना मतलब एनिमल्स तो ये जो है ये डिपेंड करता है उसके ज्योग्राफी पे ठीक है वेर वी लिव एंड आर द सोर्सेज ऑफ अवर लाइवलीहुड ंग्स क्लाइमेट रेनफॉल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्लोरा एंड फोना ठीक है किसी भी स्पीशीज़ का लोकेशन या उसका नीस या उसका जो हैबिटेट और उसका जो लाइफ स्टाइल तीन चीजों पे डिपेंड करेगा याद रखना एक है क्लाइमेट सॉरी एक है क्लाइमेट दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन मतलब इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन ओके इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हेल जो करा होते बड़े बड़े बड़ पार्टिकल्स उसको तो हेल है, हेल बोलते सो द स्पीसीज डाइवर्सिटी और दोकेशन ऑफ स्पीसीज और देर हैबिटाट और देर लाइवलीहुड लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स उसका वहां का टेम्परेचर कैसा है क्लाइमेट कैसा है और वहां का प्रेसिपिटेशन कितना है ऑन बेसिस ऑफ दिस थ्री थिंग्स डिफरेंट हैबिटेट्स और डिफरेंट बायोम्स आर बाय ऑन ऑवर अर्थ लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स सेटलमेंट्सिस्ट वेर ओवर द मींस ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल अब देखो नदी के किनारे ही क्यों लोग आके बसे थे पहले क्योंकि वहां पे सारी एक्टिविटी जो उनको डे टू डे लाइफ में डोमेस्टिक एक्टिविटी चाहिए वो सब नदी से फुलफिल हो जाती है वो अलग बात है कि अगर फ्लड आ जाता है तो फिर वो सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है पर नॉर्मली नदी के किनारे इंडस्ट्री भी वो इंडस्ट्रियल प्लांट भी रिवर के रिवर बैंक में होता है मेजर इंडस्ट्रियल प्लांट्स ठीक है सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट भी नदी किनारे हुआ था दैट इज बिकॉज ऑफ इट कैन गेट मेनी मेनी थिंग्स फ्रॉम रिवर में सबसे इम्पोर्टेंट नीड है इसलिए तो इसमें ये सब आएगा बायोलॉजी डाइवर्टेड डा, टॉपिक है पर ये जरूरी है आपको स्पीशीज समझने के लिए इंडियन मैमल्स इंडियन बर्ड्स ये क्लाइमेटिक कंडीशंस माइग्रेशन ये सब कुछ समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन जो जो था इनका उसका नाम था इनाम गांव चलो तो उसने गांव बनाया तो उसको इनाम दे दिया इनाम गांव ऐसा नहीं था ऐसे याद रखने के लिए इनाम गांव इनाम गांव वॉज द फर्स्ट विलेज पहले लोग तो रह रहे थे सिविलाइजेशन में लोग रह रहे थे उसको ऐसे विलेज ऐसा कुछ नहीं नहीं था सब रह रहे थे साथ में बस ऐसे ही तो उसको बोलते थे उस, उसको बोला जाता था सिविलाइजेशन फिर लोग लोगों लो की बस्ती बस्ती बन गई अलग अलग स्प्रेड हो गया पॉपुलेशन बढ़ता गया देन आफ्टर दिस वाज कॉल्ड विलेज ठीक है फिर फिर और पॉपुलेशन बढ़ा फिर वैसे बड़ा जोग्राफिक एरिया में स्प्रेड हो गया तो फिर टाउन बने फिर डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही फिर कंट्री ठीक है तो पहले के जमाने में इंडिया को कंट्री नहीं बोलते थे वो एक एरिया ही मानते थे कि ये एरिया है वहां पे भी अलग अलग डिविजन थे ठीक है तो उसमें अलग अलग सिक्सटीन अलग अलग पार्ट थे जैसे अभी थर्टी सॉरी ट्वेंटी एट स्टेट है इंडिया में वैसे उस टाइम वैदिक जो समय था वैदिक एरा उस टाइम सिक्सटीन डिफरेंट महाजनपद थे सिक्सटीन डिफरेंट एम्पायर यू कैन से स्मॉल एम्पायर ठीक है छोटे छोटे हिस्सों में बट गए थे तो उसको बोलते थे महाजनपद पद तो महाजन में से फिर वो मौरियन मौरियन एम्पायर स्प्रेड हुआ और सबसे बड़ा एम्पायर जो इंडिया का था वो था मौरियन एम्पायर सबसे ज्यादा फैला हुआ बट समाइम्स रीजन लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट ड्रॉट इन्वेजन ये सब चीजें क्या करती है स्केरसिटी मतलब जो लाइवलीहुड है जो हमको रिसोर्सिस जो सोर्सेज है जिस पे हम डिपेंड कर रहे उसमें स्केरसिटी आ सकती है ड्यू टू एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस क्लाइमेट चेंज ओके ड्रॉट कंडीशन और इट कैन बी ड्यू टू इन्वेजन ओके इंडिया हैज फेस्ड ऑल दिस थ्री कंसिक्वेंसिस ड्रॉट की वजह से भी बहुत लोगों की मौतें हुई है इंडिया इंडिया में बंगाल में ही खास करके इन्वेजन की वजह से इंडिया को आ, अच्छे से <laughs> मतलब लूटा गया है ऐसा बोल सकते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी पूरा यहाँ से रिसोर्स लेके अंग्रेज जो लोग थे वो अपने सिटी में ले जाते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। की वजह से ये भी होता है इसलिए फिर यहाँ के लोग गरीब होते गए और वो अमीर बनते गए ठीक है कोहिन डायमंड जो है वो भी इंडिया से ही पाया गया था गोंडवाना लैंड से उसको भी अंग्रेज लोग और ले गए हैं उधर वही पे रखा है so, so, ये तो की बात ये कोई डायमंड, ठीक जो, जो भी प्रोडक्शन होता था वो दूसरे वाले जो कंट्री जो थे invaded, जो जिसने किया था वो यहाँ से लूट के ले जाते थे तो हिस्ट्री हो गया अभी कोई लूट के ऐसे नहीं ले जा रहा है पीपल आर फोर्स टू लीव देर सेटलमेंट्स जब इन्वेजन होता है तो क्या होता है कि ये जो लोग है वहां से फिर दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं तो दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं तो वहां पे कुछ सेटलमेंट करते हैं ठीक है तो विलेजेस एंड टाउन्स बिकेम डेजर्टेड तो अभी भी कुछ ऐसे गांव है जो पहले एकदम प्रोस्परस थे और अभी वो एकदम डेजर्टेड हो गए हैं तो ये भी एक कंडीशन है कि ये कुछ विलेजेस और टाउन्स जो पहले थे वो अभी नहीं है अभी वो खंडर बन गए हैं जैसे वो धोरा विरा लोथल ये सब साइट्स से वो पहले एकदम प्रोस्पर प्रोस्परस थी वहाँ पे एक सिप भी था अभी वो पूरी खंडर हो गया तो ये डेजर्टेड एरिया है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू एनवायरमेंट मतलब कुछ भी एनवायरमेंटल चेंजेस या फ्लड है ऐसा कुछ अर्थक्वेक है या फिर ड्रॉट है या इन्वेजन है ओके सो दस वी सी दैट देर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड जोग्राफी ऑफ हाउसेज अभी आगे का टॉपिक है ये है मेन टॉपिक ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वही है इंडिया ऐसे पांच छह जोन में डिवाइड किया है जो और कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम एक्सटेंस फार एंड वाइड ठीक है इंडिया का नॉर्थ टू साउथ जो किलोमीटर है वो थ्री हंड्रेड एंड 3700 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट और जो इंडिया का वेस्ट टू ईस्ट का जो पार्ट है वो है 2933 समथिंग अप्रोक्सीमेट 2933 किलोमीटर ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिल जाएगा ठीक है टॉप फाइव में इंडिया का नंबर आता है लैंड एरिया में फिफ्थ रैंक है शायद फिफ्थ रैंक हाँ ठीक है या शिक्ष्ट, शिक्ष्ट ब्राजील और पॉपुलेशन वाइज इंडिया का रैंक आता है सेकेंड एट इट्स नॉर्थ लाइक हिमालयस टू द ईस्ट बे ऑफ बंगाल मैंने बताया अरेबियन सी वेस्ट में और साउथ के अंदर इंडियन ओशन है तो ऐसे पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन टोपोग्राफी इंडिया के सो एक्सेप्ट फॉर द देंड्स ऑफ एंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप रेस्ट ऑफ द कंट्री इज सॉरी जी नहीं है कंटिन्यूअस बीच में कोई गैप नहीं है पूरा इंडिया ऐसे जुड़ा हुआ है एक्सेप्ट फॉर दिस आइलैंड अंडमान निकोबार एंड लक्षदीप ये अलग पड़ जाते हैं क्योंकि बीच में समंदर आ जाता है बीच में वाटर आ जाता है ओके okay? पर ये इंडिया का पार्ट है इसलिए इसको अभी हम कंसिडर करेंगे दिस वोल पार्ट वॉज एंशेंट इंडिया हिंदू कुछ माउंटेन मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल आ, फिर ने, नेपाल नहीं फिर यह कौन सा इधर बांग्लादेश श्रीलंका ये सब इंडिया में पहले गिना जाता था त्रा न सिंधु मतलब इंडस ठीक है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स से पूरा एक मैदान बनता है उसको बोलते हैं प्लेन्स तो नॉर्दन प्लेन्स फिर हिमालयास हिमालयन रेंजेस फिर थार डेजर्ट डेजर्ट एरिया प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू इंडिया का जो है वो है दक्षिण का प्लेट्यू जिसका नाम अंग्रेज बोलते थे इसको प्लेट्यू दक्कन, दक्कन प्लेट्यू रखा है फिर प्लेट्यू हो गया तो कोस्टल एंड इन द सी ठीक है हिमालया जो है हिंदू कुश हिमालय ये सॉरी हिंदू कुश जो माउंटेन है वो अभी अफगानिस्तान में है अभी इंडिया इंडिया का पार्ट नहीं है हिंदू कुश माउंटेन एंड हिमालय रेंजेस है इम्पेनिट्रेबल वॉल ऑन द द साइड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट देखो एक बड़ी दीवार बनाती है वो इन्वेशन को रोकने के लिए और दूसरा ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो बारिश की जो बारिश का जो मौसमी पवन जो इंडिया से आगे बढ़ता है ठीक है वो पवन ये हिमालयस को टकरा जाता है और वहीं से फिर वो बारिश करता है अगर हिमालयस नहीं होते तो इंडिया में बारिश नहीं होती पूरी जो वो मौसमी पवन है वो चली जाती आगे रशिया में चली जाती है और चाइना रशिया में जाके बारिश करती है तो ये एक बड़ी दीवार बनाता है जिसकी वजह से इंडिया में बारिश आती है ठीक है कुछ और और भी इसके यूज है इनवेजन रोकने के लिए भी हिमालय जो है वो रोक लेते हैं पूरा एक बाउंड्री बना देता है दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया का डेजर्ट मतलब चाइना का डेजर्ट वो चाइना में एक पार्ट है मंगोलियन डेजर्ट डेजर्ट मंगोलिया डेजर्ट ये सब डेजर्ट डेजर्ट है ये पार्ट से इंडिया को सेपरेट करता है ठीक है मंगोलिया गोभी के डेजर्ट एवर इज लैंड रूट थ्रू खाइबर अभी मैंने बताया था ना बीच में कुछ जगह भी होती है माउंटेन के बीच में जहां से कुछ लोग आ सकते हैं ये देखो ये तो फिर रोड हमने बनाया पर ऐसे कुछ दर्रे थे माउंटेन के बीच में जहां से ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी मिलिटेंट एक्टिविटी हो सकती है दिस इज कॉल्ड पास तो ये एग्जांपल है खाइबर पास और बोलन पास ठीक है हिंदू माउंटेन में so, an जमाने में एंशियंट इंडिया में ठीक है तब तभी ऐसे पक्की सड़क पक्की सड़क सड़क भी नहीं थी तो ये जो था पूरा वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे ठीक है इसको पास बोलते हैं तो वहां पे उस माउंटेन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ला, बोलन ला, ला, नाथुला, ला, बहुत सारे ऐसे ठीक है? है। आपने पढ़ा होगा, रो, आ, सुना होगा सुना के बारे में। तो भी एक ट्रेड फ्रॉम चाइना पास टू सेंट्रल एशिया एंड रीच्ड अरेबिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में जो ट्रेड रूट था ड्यू टू दिस पास उके? फिर एक रूट था जो स्पेशली सिल्क के लिए रूट बनाया गया था तो सिल्क जो है वो यहां से एक्सपोर्ट किया जाता था सिल्क वाज मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज तो यहां से इंडिया इंडिया में से सिल्क दूसरे लोग दूसरे कंट्रीज ले जाते थे एंड दैट रूट वॉज कंसिडर्ड ट्रेड रूट वॉज कंसिडर्ड एज सिल्क रूट और सिल्क रोड

ठीक है तो ये जो फॉरेन इन्वेडर्स थे जो ये पास पांच थे वो ज्यादातर मुगल्स थे मोहम्मद गजनवी जिन्होंने सोमनाथ के ऊपर अटैक किया था और ऐसा माना जाता है कि अठारह अच्छा बार उस, उसको लूटा था और बहुत सारा सोना चु, चु, चुरा के ले गया था और फिर वो जब घर जा रहा था अफगानिस्तान में अपने तो वो सोना पूरा राजस्थान के रेगिस्तान में गिर गया फिर उसको कभी मिला ही नहीं पूरा उसका जो मेहनत था उसमें रेत फिर गया पानी नहीं फिर गया रेत फिर गया तो मेनी फॉरन ट्रेवलर्स जैसे यूएन संघ फाहियान ये सब आए थे इंडिया में विजिट किया था हमारे गुजरात की यूनिवर्सिटी थी पहले वल्लभ विद्यापीठ तो पे ये विजिट करने आए थे तो ये भी पास से आए थे थ्रू दिस रूट तो प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा देखो ये हो गया हिमालय का नाउ दिस इज अबाउट प्लेन्स ऑफ सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा अब प्लेन्स प्लेन्स में क्या है देखो प्लेन्स का एडवांटेज क्या है वो फर्टाइल होते हैं एकदम फर्टाइल होते हैं क्योंकि नदी जो होती है वो अपना पानी एक तरफ जब आ, जमीन पे ले आती है तो नदी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं रॉक्स भी होते हैं रॉक्स के पार्टिकल्स सोल पार्टिकल्स सो दे आर वेरी रिच इन दे आर वेरी फर्टाइल दे आर वेरी रिच इन फर्टिलाइजर्स ओके नेचुरल नेचुरल वन मिनरल्स कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब दैट्स व्हाई दिस प्लेन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया पंजाब टू दिंध पंजाब मतलब ये सिंध एरिया जो है वो अभी ये पाकिस्तान में है यह सिंध एरिया ठीक है तो ये पंजाब पाकिस्तान पंजाब से वहां से लेके अभी बांग्लादेश के अ पास टू बांग्लादेश ये पूरा एक कनेक्शन है प्लेन्स का दिस रिवर्स मेक अ फर्टाइल लैंड फर्टाइल प्लेन एरिया फ्रॉम सिंध इन पंजाब इन द वेस्ट टू द प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट ठीक है तो यहाँ पे एक रोड भी बनाया गया था पहले शेरशाह सूरी एक राजा था फिर रोड डेलाउसी ने उसको रिनोवेशन किया तो ये अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक पूरा एक रोड बनाया था जिसको बोलते थे ग्रांड ट्रंक रोड जीटीआर इट वॉज इन दिस रीजन दैट दर्स्ट अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन ऑफ हरप्पा इन लैंड था तो यहाँ पे वो इजिली क्रॉप ग्रो कर सकते थे फिर वहां पे साम्राज्य की स्थापना हो गई और वहीं पे इंडिया के जो मोस्ट ऑफ थे वो एस्टेब्लिश हुए ठीक है ये आप देख सकते हो गंगा रीव

माउंटेन रेंज है अरवली माउंटेन इसमें एक नदी वहां पे बहती थी तब उसको बोलते थे हकरा पाकिस्तान लैंग्वेज में ये नदी है घगर घगर रिवर रोजनेट इन हिमाचल प्रदेश विच इज दी थर्ड डेजर्ट ओके इसका कुछ कोर राजस्थान में है बाकी का पाकिस्तान में है और वो पूरा अभी ड्राई हो गया है किसका इस नदी का कगर रिवर का ठीक है और इसी नदी के किनारे बहुत सारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइड पाई गई है Then Decan Platu. Decan Platu को आपने देखा होगा इमेज में भी, इंडिया में मैप में दिखाया इट इज अ रीजन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया टेपर सॉफ्ट टू टेपरिंग एंड है उसका प्लेट्यू रीजन हैज अरेबियन सी टू इट्स वेस्ट ठीक है अभी आपको पता चल गया होगा इंडियन ओशियन उसके साउथ में है बे बेंग, ऑफ बंगाल ईस्ट में है रीजन दस बाउंड बाई सी ऑन द्री साइड इज कॉल्ड पेनिस्टूला ए मेजर पार्ट ऑफ इंडियन पेनिंस्टूला इज ऑक्युपाइड बाई डेकन प्लेट्यू ठीक है अब डेकन प्लेट्यू के ऊपर कौन सी कौन सी पर्वतमाला है तो एक है ये विंध्यातपुड़ा ठीक है विंध्या और सातपुड़ा विंध्या और सातपुड़ा दोनों मर्ज कहा होती है एक गुजरात में एक मर्ज होती है पावागढ़ में दोनों मिल जाती है

पूरी माउंटेन रेंज हो, है वो ऐसे स्टेप वाइज है बड़ी छोटी-छोटी तो ये पूरी लेती है और कोस्टल ले एरिया के पास में इट इज कोस्टल रीजन ऑफ कॉकन अभी गोवा और एक मालाबार तो so सहद्री के पास जो कोस्टल रीजन है वो है कोंकण और मालाबार रीजन फिर माउंटेन्स ऑन साइड ऑफ प्लेट्यू ज ईस्टर्न घाट वैसे देखो ईस्टर्न घाट में ऐसा कोई सॉरी ईस्टर्न साइड में जो कोस्टल एरिया है ईस्टर्न साइड में क्या है एरिया है।, है, 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 रे, तो है इसको बोलते हैं सॉरी ईस्टर्न घाट ठीक है आ, एक दो बात बता देता हूँ फर्टाइल लैंड है या डेकन प्लेटू के अंदर तो इसलिए पूरा कर देता फर्टाइल लैंड, मेनी पोस्ट हड़प्पन एग्रीकल्चर कल्चर फ्लोरिस्ट यहाँ पे यही पे जो पहला गांव था वो बना था इनाम इन 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 गांव डेकन प्लेट्यू में ठीक है पोस्ट एग्रीन कल्चर के बाद में जो सिविलान प्लेट्यू में बना था ठीक है दिस पार्ट ये देखो मोरिन एम्पायर जो है पूरा फैला हुआ था पाटलिपुत्र मगध से लेके डेकन प्लेट्यू तक पूरा साउथ तक श्रीलंका तक मतलब वो फैलाने वाले थे पूरा इंडिया कवर करने वाले थे पर वो नहीं कौन था वो अशोक उसी ने तो ये सब कुछ जीता था तो लार्जेस्ट एम्पायर था वो एंशियंट इंडिया का मोरियन एम्पायर मौरियन एम्पायर जैसे डिक्लायर हो गया ठीक है बाकी कुछ छोटे छोटे किंगडम आए इधर जैसे विजयनगर एम्पायर और फिर वो सातवाहना तो ये सब इसी एरिया में फ्लरिश हुए थे तो भी आप अगर साउथ में देखोगे वो मीनाक्षी मंदिर फिर कुछ दविडियन टेंपल्स से बहुत सारे वहाँ पे हम्पी टेम्पल्स ये सब डेकन प्लेटियो में ही है